बैंक द्वारा पैसे होने के बाद भी 11 चेक वापस भेजने की जानकारी पीड़ित राजेश कालबाणी ने पीसीएन समक्ष दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा किए गए इस व्यवहार के कारण उन्हें मानसिक तनाव और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित राजेश कालबाणी ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक नंदनवन शाखा में कैश क्रेडिट योजना अंतर्गत उसका अकाउंट था। उस अकाउंट में पैसे होने के बावजूद बैंक ने पीड़ित की 11 व्यापारियों को दिए हुए चेक रिटर्न किए और उसका दंड भी लगाया। पीड़ित ने इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक से शिकायत की, उसके बाद भी बैंक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में खुद पीड़ित ने अधिक जानकारी साझा की। मैं राजेश पंजाबराव कालबाणी, दिगोरी नरसाड़ा रोड रहना, नरसाड़ा रोड इंडियन गैस गोदाम के सामने मेरा रहना है। पंजाब नेशनल बैंक नंदनवन शाखा में मेरा कैश क्रेडिट योजना अंतर्गत अकाउंट था, उसमें से मेरे 11 चेक खाते में पैसे रहने के बाद में भी बैंक ने व्यापारियों को दिए हुए चेक रिटर्न किए हैं और उसका भूदंड भी मेरे कैश क्रेडिट खाते पर लगा दिया है। उसकी शिकायत मैंने पंजाब नेशनल बैंक के हेड ऑफिस में गए 6 महीने से कर रहा हूँ। 6 महीने से शिकायत करने के बाद में भी उसके ऊपर कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है और किसी भी प्रकार का मुझे न्याय मिला नहीं है। ऊपर से बैंक के मैनेजर वारंवार मुझे कहते थे कि भैया तेरे 2 लाख रुपए खाते में जमा है और मेरी FDR की रकम भी जमा है उसमें। मैंने उनको पत्र लिखा कि FDR की रकम सर, मेरा अगर CC अकाउंट रिन्यूअल नहीं होता या सुरक्षित नहीं कर सकते आप, तो FDR की रकम मेरे खाते में जमा करके खाता बंद किया जाए। इसके लिए भी मैंने पत्र दे चुका हूँ, लेकिन पत्र देने के बाद में भी मेरा अकाउंट बंद नहीं हुआ और मेरे पे ब्याज का भूर्दंड लगाते हैं बैंक। प्लस कोविड लोन मुझे दिया गया था 10-2020 में। कोविड लोन की रेगुलर रकम भरना शुरू थी दर माह 5,500 रुपया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि कोविड लोन की रकम भी आपको पूरी भरे बिगैर खाता बंद हो नहीं सकता और इस तरह मुझे मानसिक त्रास दिया गया है बैंक ने और मेरा छल किया गया हुआ है। व्यापारी समूहों में भी मुझे आज बैंक के चेक बाउंस होने के कारण या रिटर्न जाने के कारण व्यापारी समूह में मुझे कोई उधार माल देता नहीं और मेरी क्रेडिट पूरी खराब कर दी है बैंक के अनुसार। इस दौरान पीड़ित का कहना था कि बीते 6 महीने से वो इस मामले की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें इस मामले में कोई न्याय नहीं मिला। आगे उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा किए गए इस व्यवहार के कारण उन्हें मानसिक तनाव के साथ अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।